हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे सो हम कर रहे हैं लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम एंड अदर नर्सिंग एग्जाम्स एंड सब्जेक्ट चल रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड दिस इज़ अ पार्ट सेकंड ऑफ़ वीडियो सो so, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो ऑलरेडी पहले भी पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं सो इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी स्पोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना एंड अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड नर्सिंग सर्कल में अगर वीडियो को शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करना सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ दी साइको सोशल के साथ सो साइको सोशल थ्योरी सबसे पहले किसने दी पता होना चाहिए सो दिस वाज़ गिवन बाय द एरिक्सन ठीक है एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल थ्यूरी साइको सेक्शुअल थ्योरी जहाँ साइको एनालिटिक थ्यूरी डैट गिवन बाय फ्रॉयड सो so, वो हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में सो so, इस वीडियो में देखते हैं थ्योरी इज़ गिवन बाय द एरिक्सन उसके क्या स्टेजेस हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर द द क्राइसिस ठीक है सो विद न्यू स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट न्यू टास्क आते हैं सो so, आपको ये सारे टास्क भी याद होने चाहिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन किस स्टेज में देखने को मिलता है ठीक है जहाँ फिर थ्री टू फाइव ईयर एज में कौन सा डिवेलपमेंटल टास्क होता है एज पर एरिक्सन थ्योरी सो so, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए सारा सो so, जो इन फैंसी टू एटीन मंथ्स तक है इसमें टास्क है ट्रस्ट वर्सेस मिस देन एटीन मंथ टू थ्री ईयर तक है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम देन थ्री टू फाइव ईयर तक है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देन फाइव टू थर्टीन ईयर तक है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियॉरिटी देन उसके बाद थर्टीन टू ट्वेंटी वन ईयर तक है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन देन ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी नाइन ईयर तक है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन देन फोर्टी टू सिक्सटी फाइव ईयर तक है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैगनेशन एंड सिक्सटी फाइव प्लस तक है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डिसपेयर सो ये सारे के सारे आपको याद रहनी चाहिए साइकोसोशल क्राइसिस कौन सी एज पे कौन सा टास्क है सो so, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सो मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज सो ए गनोजिया क्या होता है इट इज़ इन एबिलिटी टू रिकोगनाइज द फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैन ए मनीजिया क्या है इट इज़ ए लॉस ऑफ़ द मेमरी दैन वट इज डेलीरियम डेलीरियम इज अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट एंड डेट इज करेक्टराइज बाई ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस विद रिड्यूज एबिलिटी टू फोकस एंड सस्टेन दिन ठीक है जी सो इट इज़ अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट एंड क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द डेलीरियम सो नेक्स्ट देखते हैं डिमेंशिया सो वट इज डिमेंशिया इट इज अ क्रॉनिक है एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है इन विच देर इज अ डिटेरियोरेशन इन द कोगिनेटिव फंक्शनिंग बियॉन्ड वट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एजिंग सो एजिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत तो कॉर्गिनेटिव डिक्लाइन होता ही होता है बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है देन डेट कैन बी द केस ऑफ द डिमेंशिया so next dekhte hain narcolepsy so narcolepsy is a sleep disorder it is a chronic sleep disorder and this is characterized by overwhelming daytime drowsiness and sudden attacks of the sleep so this is the narcolepsy so next is ect so what is ect it is a treatment in which the grand mal seizures are induced artificially so hum artificially grand mal seizures induced karte hain in anesthetized patient कैसे इंड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट सो इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोड्स अप्लाई टू द पेशेंट ठीक है सो दिस इज द इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी ठीक है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट मींस क्या आप कन्वर्जन आर्टिफिशली प्रोड्यूस करवा रहे हो सो नेक्स्ट इज़ द इंडिकेशन फॉर ई सी टी सो कौन से पेशेंट को हम ई सी टी देते हैं सो फर्स्ट इज अ मेजर डिप्रेशन स्पेशली विद द सुसाइडल रिस्क ठीक है सो मेजर डिप्रेशन जो ड्रग से ठीक नहीं हो रहा मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा उसके लिए ई सी टी रिकमेंड करी जाती है देन अदर इंडिकेशन क्या हैं स्कीजोफ्रेनिया डिप्रेसिव स्टूपर देन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एंड स्कीज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द ई सी टी सो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं जब हम ई प्रोवाइड करते हैं सो so, ये सारी मेडिकेशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी थी मैंने ई पे क्वेश्चंस बनाए थे आप एक बार वो क्वेश्चंस देख लेना सो so, एट्रोपिन क्यों देते हैं सो डैट टू डिक्रीज दिशंस सो सक्सिन कोलिन इज मसल रिलेक्सेंट एंड सोडियम एक्ट एज अनेटिक एजेंट सो नेक्स्ट इज़ क्राइसिस सो वॉट इज़ क्राइसिस इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेसफुल फील करता है बंदा टू द एक्सटेंट डेट, द नॉर्मल कोपिंग मैकेजम्स आर फेल्ड सो जो नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं वो फेल हो जाते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डैट इज़ दी क्राइसिस सो क्राइसिस कैन बी मैचुरेशनल क्राइसिस इट कैन बी सचुएशनल क्राइसिस एंड दिस कैन बी सोशल क्राइसिस सो मैचुरेशनल क्राइसिस क्या है नेम से ही क्लियर है ऐसा क्राइसिस जो कि आता है ड्यूरिंग द इंडिविजुअल नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ठीक है कि विद द टाइम चेंजेस आती हैं ठीक है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के साथ जो चेंजेस आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लीविंग ए होम फॉर कॉलेज ठीक है सब घर छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज कॉलेज में जाना है हॉस्टल में जाना है उसके बाद फिर मैरिज हो रही है वो भी एक टाइप का अलग से क्राइसिस है ठीक है एक न्यू चेंज आता है लाइफ में सो रिटायरमेंट भी एक मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट है सो ऑल दीज आर दी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के कॉलेज जाने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है दैन उसके बाद मैरिज हो रही है फिर रिटायरमेंट हो रही है सो so एक मेजर लाइफ चेंज आ रहा है इनमें से सो सो इन सारी सिचुएशंस में अगर एक डायरेक्शन में लाइफ नहीं जा रही तो डेट कैन लीड टू द क्राइसिस ठीक है सो वो होगा मैचुरेशनल क्राइसिस सो नेक्स्ट इज अचुएशनल क्राइसिस सिचुएशनल क्राइसिस क्या होगा कि जो सडनली हो गया एक्सपेक्ट नहीं करा था ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक इलनेस हो गई जहाँ अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई किसी लव्ड वन की जहाँ फिर आपको जॉब से निकाल दिया सो डैट इज द सिचुएशनल क्राइसिस जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो सो नेक्स्ट इज अ सोशल क्राइसिस सोशल क्राइसिस का नेदर नेम है एडवेंटिशियस क्राइसिस सो ये क्यों होता है ड्यू टू अनयूजल सोशल और एनवायरमेंटल इवेंट्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक आ गई सुनामी आ गई सो दीज आर दी सोशल क्राइसिस सो so नेक्स्ट देखते हैं ओ क्या है ऑब्सैसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सो एक तो हो गया कि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है ठीक है एंड उसके बाद क्या है इसमें अनकंट्रोलेबल रीअकरिंग थाट्स आते हैं सो so उन थाट्स को हम बोलते हैं ऑब्सेशंस एंड उसके साथ पर्सन कुछ बिहेवियर परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं कंपल्शन एंड पर्सन को अर्ज आती है उसको फीलिंग आती है कि बार बार उसको वो थाट आ रही है एंड उसको बार बार बिहेवियर रिपीट करना पड़ रहा है ठीक है सो सो so, अपसेशन क्या होगी कि माई हैंड्स आर डर्टी ठीक है सो दिस इज अ था दिस इज दी अपसेशन एंड कंपल्शन क्या होगी कि पर्सन इज रिपीटिटेडली वॉशिंग दी हैंड्स ठीक है सो दैट इज द बिहेवियर डेट इज द कंपल्शन सो दिस इज द ओ सी डी ओ सी डी इज द न्यूरोटिक डिसऑर्डर सो इनसाइट होती है पेशेंट को पता होता है कि जो थाट्स आ रहे हैं वो इरेलीवेंट हैं बट उसमें एन्जाइटी इतनी प्रोड्यूस होती है सो टू रिलीव डैट एन्जाइटी पर्सन परफॉर्म सर्टिन काइंड ऑफ द बिहेवियर ठीक है सो so नेक्स्ट देखते हैं सो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है डिनाइल सो डिनाइल क्या है इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक है कोई क्रॉनिक इलनेस से डायग्नोज हो गया पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं मेरे को तो नहीं हो सकती इतनी क्रॉनिक डिजीज सो दिस इज़ अ डिनाइल

शियस so so है? So है जिसमें हम जान बुझ के नहीं कर रहे हैं बट सुप्रेशन में हम जान बुझ के जो भी चीज हमें तंग कर रही है जो थॉट हमें डिस्ट्रेस कर रहा है हम उसको भुलाना चाहते हैं और भूल जाते हैं सो डैट इज द सुप्रेशन सो नेक्स्ट इज रिग्रेशन सो रिग्रेशन क्या है इट इज रिटर्निंग टू द अर्लियर स्टेज ऑफ द डिवेल्पमेंट एंड द पैटर्न ऑफ बिहेवियर टू एक्सप्रेस एन इम्पर्स टू डील विद द एन्जाइटी कि एन्ज्जाइटी एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपनी एज से पीछे जाके बिहेव कर लाइक कोई फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर का बच्चा है अब वो बिहेव कर रहा है लाइक सिक्स सेवन ईयर्स के बच्चे के जैसे सो दैट इज द रिग्रेशन सो नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है फीलिंग्स अबाउट अ पर्सन ऑब्जेक्ट और द सिचुएशन आर डायरेक्टेड टू द एन अदर लेस थ्रेटनिंग पर्सन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन सो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपको किसी बंदे पे गुस्सा आ रहा है बट आप शो नहीं कर सकते हो और अपने घर पे आके जिस बंदे पे आपका कंट्रोल है आप उस पर वो गुस्सा निकाल देते हो सो डैट इज द डिस्प्लेसमेंट लाइक मोस्टली जॉब्स में ऐसा होता है कि आप अपने सुपीरियर जो पर्सन होता है ठीक है आप को उस पर गुस्सा आता है आप उस पर नहीं निकालते हो घर पे आके अपने किसी फैमिली मेंबर पे गुस्सा निकाल देते हो सो डैट इज द डिसमेंट ठीक है सो नेक्स्ट इज द कन्वर्जन सो कन्वर्जन क्या है इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल कन्फ्लिक्ट थ्रू द फिजिकल सिम्टम्स विद नो ऑर्गेनिक कॉज सो डैट इज द कन्वर्जन ठीक है कि जो इमोशनल स्ट्रेस है इमोशनल कन्फ्लिक्ट वो कैसे आ रही है थ्रू द फिजिकल सिम्टम्स पर्सन शो कर रहा है ठीक है सो नेक्स्ट इज द रिएक्शन फॉर्मेशन सो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि डिवेल्पिंग दी कॉन्शियस एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड एक्टिंग आउट बिहेवियर ऑपोजिट टू वन रियली फील सो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि आपको किसी पर्सन पे आ रहा है गुस्सा बट आप गुस्सा उस टाइम पे उसको दिखा नहीं सकते हो तो आप उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हो सो so, जो आपके अंदर इंटरनल फीलिंग्स हैं आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाके उस बंदे से रिएक्ट कर रहे हो डैट इज द रिएक्शन फॉर्मेशन ठीक है सो so, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज द पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पी टी एस डी सो वट इज दिस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द साइकोलॉजिकली ट्रोमैटिक इवेंट के कुछ ट्रोमैटिक इवेंट हुआ आपकी लाइफ में एंड द इंडिविजुअल इज प्रोन टू री एक्सपीरियंस द इवेंट एंड हैविंग अ रीअरेंट एंड एंक्लूजिव ड्रीम्स और फ्लैश बैक्स सो पी टी एस डी नेम से ही क्लियर है कि ट्रोमा के, के बाद जो स्ट्रेस आ रहा है ठीक है फ्लैश बैक्स आ रहे हैं डेट इज दी टी एस डी सो नेक्स्ट इज द लाब एलास लाब एल इन डिफरेंस क्या है इन विच द पर्सन बिकम अनकर्न अबाउट द सो अभी हमने देखा था कि कन्वर्जन डिसऑर्डर कन्वर्जन डिसऑर्डर में ही लाभ एलाइन डिफरेंस होता है सो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो थ्रू द फिजिकल सिम्टम्स बाहर आता है ठीक so, है सो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं बट उस बंदे को कोई कंसर्न नहीं रहता है सो दैट इज द लाबेला इन डिफरेंस सो नेक्स्ट इज अको लेलिया सो वट इज इको लेलिया इट इज अ पैथोलॉजिकल रिपीटिंग ऑफ द एन अदर वर्ड्स सो डैट इज द इको लेलिया सो नेक्स्ट इज अ न्योलॉजिज्म सो नियोलॉजिज्म क्या है मेड अप दर्ड्स डैट हैव मीनिंग ओनली टू द पेशेंट कि पेशेंट ने अपने ही वर्ड्स क्रिएट कर ले जिनका दूसरे लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है न्यो का मतलब ठीक है न्यू हो गया कुछ सो so लास्ट है इस वीडियो का पॉइंटर डोंट विस्पर और लाफ इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट विद अ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैरानॉइड पर्सनैलिटी कौन सी होती है जिसमें पर्सन सस्पिशियस होता है ठीक है अब सस्पीशियस बंदे के सामने आप विस्पर भी नहीं करोगे एंड उसको देख के हंसोगे भी नहीं नहीं तो पेशेंट को लगेगा पेशेंट विल थिंक डैट यू आर टॉकिंग अबाउट और लाफिंग एट हिम और हर सो उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट का और सस्पिशियसनेस इंक्रीज होएगा सो so ये आपने नहीं करना है ठीक है सो डैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो सो हमने टोटल एटी पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं सो आई होप ये योज़ आपके लिए यूजफुल रही होंगी एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी देन लाइक का बटन प्रेस करना एंड अपनी फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना सो so, चलिए कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में सो स्टे कनेक्टेड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग